क्यों आता है? यही जगह है, हमसे कहे, मैं मुख्यमंत्री से मिला बताया और जाकर के हमारे नाम पर लोग चंदा मांगने लगे कि नेताजी से बात हो गई है और पैसा आप लोगों से मांगने लगे। वो कौन लोग हैं? आप भाई के गोल के जो अलग अलग गोल के हैं ना, हम लोग 68 भैया मेरे लिस्ट सर, आप बात मेरी सुनो, चाहे 68,000 वाले हो 500, चाहे 69,000 वाले हो, चाहे 12,460 वाले। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त किसी पार्टी मीटिंग या नुक्कड़ सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके सामने बैठे ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो कभी विधानसभा तो कभी सीएम आवास, कभी बीजेपी दफ्तर से लेकर अलग अलग मंत्रियों के आवास पर नियुक्ति पत्र को लेकर गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। इससे परेशान होकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के आवास को घेराव करने पहुंच गए और ओम प्रकाश राजभर के सामने अपनी बात रखी, जिस पर राजभर ने उनकी मांगों को सुना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी बातें रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के सामने असमर्थता जताते हुए राजभर ने कहा कि मैं एनडीए में शामिल जरूर हूं, पर मंत्री नहीं हूं। मैं आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, धरना देने से कुछ नहीं होगा, मुझे पत्र दीजिए तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर आग्रह करूंगा। सदन में कोई नेता नहीं है जो पिछड़े और दलितों के लिए आवाज उठाता हो। आप चाहे 69,000 वाले हो, जो समस्या देखो है, समस्या का समाधान धरना देने से कुछ नहीं है। आप पहले तो आप सब लोग 69,000 वाले संगठित हो या 68,500 वाले संगठित हो, एकजुट बैठ करके हमको समझाओ। आप नहीं जा सकते हो, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के उनको हम समझा लेंगे कि देखिए साहब, ये गलती हुई है। इस बात को लेकर अभी मैं बैठा था माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ, केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मैं गया था, अभी इसी बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था कि ये स्थितियाँ हैं, पैदा होंगी, इसका निराकरण आप लोग मंत्री हो, भैया अभी तो हम हैं नहीं, लेकिन शामिल जरूर हैं सरकार में, एनडीए में हम शामिल हैं। तो आपकी भावना को लेकर ओम प्रकाश राजभर से ज़्यादा विधानसभा के अंदर कौन बोलता है, बोलो, है कोई नेता? इस दौरान ओपी राजभर ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी रगड़ दिया और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं, जब मैं बोलता हूं तो उनकी आवाज नहीं निकलती, सदन में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता, सदन में अगर पिछड़ों के लिए कोई बोलता है तो वो ओम प्रकाश राजभर बोलता है। यही नेता मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव जी ने, जब बोलता हूं प्रकाश राजभर तो जबान नहीं खुलती है, जितने भी सपा बसपा कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलता है, अगर लड़ाई लड़ता है पूरे सदन में पिछड़ों के लिए तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नहीं लड़ता है। आप लोग हमें नारा लगा रहे, हमसे प्रेम से मिलो, हम अगर आपकी बात ना माने, हम आपकी बात ना सुने, आप बताओ हमको भैया। फिलहाल ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि आप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय लेकर उनसे मिलकर उन्हें समझाएंगे कि देखिए गलती हुई है। इसके साथ ही ओपी राजभर ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी चर्चा की है, उनसे कहा है कि ये स्थितियां पैदा होंगी, इसका निराकरण कराइए। मुख्यमंत्री से मिला बताया और जाकर के हमारे नाम पर लोग चंदा मांगने लगे कि नेताजी से बात हो गई है और पैसा आप लोगों से मांगने लगे। वो कौन लोग हैं?